सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप से फेस स्मूथ करना और फेस पे ऐसे कमाल के कलर डालना और फेस पे आप लोग ऐसे कमाल की चमक कैसे ला सकते हैं और आपने अपने फेस को ऐसे रेड कैसे कर सकते हैं। किसी भी फोटो में आप लोग अपने फेस को रेड कर सकते हैं और किसी भी फोटो कैसा भी फोटो आप लोग उसको फेस स्मूथ एकदम प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप लोग ये ट्रिक सीखना चाहते हैं तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप कर देंगे तो आप लोग ये ट्रिक नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लिया। सबसे पहले आप लोग करना क्या होगा, आपने अपने ऑटोडेस्क एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ऑटोडेस्क एप्लीकेशन ओपन करने के बाद से अब आप लोग करना क्या होगा, यहाँ पे अपने फोटो को ऐड कर लेना है। फोटो को ऐड करने के बाद से आप लोगों को ब्रश कौन सा सेलेक्ट करना है, मैं ब्रश आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे वाली ब्रश सेलेक्ट कर लेना है, ये वाली ब्रश आप लोग को रखना है। इसका सेटिंग आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सेटिंग कुछ स्टेप रखना है। फ्लो को आप लोग 4 रखना है, उसके बाद से नीचे वाले को 15 रखना है और साइज अपने हिसाब से रख लेना है। तो ब्रश आप लोग करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। ऊपर आप लोगों को प्लस का आइकन दिखेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर देना है। उसके बाद से इससे पहले आप लोग ये वाली ब्रश सेलेक्ट कर लेना है। एक आप लोगों को फेस पे रेड कलर कैसे लाते हैं मतलब आप लोगों को पहले वो दिखा देता हूँ, तब आप लोगों को फेस स्मूथ करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि फेस पे रेड कलर कैसे लाते हैं। यहाँ पे वाली ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है, मीडियम ब्रश के नाम से आप लोगों को इसको मिलेगा, आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसका सेटिंग देख सकते हैं, ओपेसिटी आप लोग 100 रखना है, साइज को अपने हिसाब से रख लेना है। उसके बाद से अब आप लोग करना क्या होगा, यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पे एक ये ऑप्शन मिलेगा पिन करने का, तो यहाँ पे आप लोग ले लेना है, फेस पे से लेकर छोड़ देना है। उसके बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कलर आप लोगों को बन के आ गई होगी, तो यहाँ पे व्हाइट को इंक्रीज कर लेना है। व्हाइट को इंक्रीज करेंगे तो कुछ स्टेप्स हो जाएगी। उसके बाद से यहाँ पे बैक करें, बैक करने के बाद से अब आप अपना कलर देखेंगे तो कुछ स्टेप्स देखने को मिल जाएगी, अब व्हाइट और रेड दोनों देखने को मिलेगी। उसके बाद से इसे फेस पे ब्रश कर लेना है। ब्रश करने के बाद से कुछ स्टेप्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो मतलब फेस दिख ही नहीं रहा है, तो आप लोगों को टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग यहाँ पे बस वीडियो को एंड तक देखिए, इसलिए मैंने बोलता हूँ कि वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पे इतना कर लेने के बाद से अब आप लोग को यहाँ पे इसको मतलब रिमूव कर लेता हूँ। इसके बाद से यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे आ जाना है। लेयर पे आने के बाद से लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे ब्लेंडिंग का ऑप्शन होगा, इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे सॉफ्ट लाइट का ऑप्शन मिलेगा, सब ग्रो का मिलेगा, सब लाइट का मिलेगा। तो लाइट वाले ऑप्शन पे आ जाना है या ग्रो पे, तो आप लोग करना क्या होगा, दोनों को एक बार देख लेना है। तो मैं यहाँ पे ग्रो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कुछ स्टेप भी देखने को मिल जाएगी, और लाइट पे क्लिक करता हूँ तब देखिए लाइट पे क्लिक किया अब देखिए हमारा फेस कुछ ही स्टेप से देखने को मिल जाएगी। अब आप लोगों को पता चली गया होगा कि ग्रो पे क्या होता है और लाइट पे क्या होता है। तो अब आप लोगों को चेक करना है, बिफोर आफ्टर देखना है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ बिफोर आफ्टर, कुछ ही स्टेप से देखने को मिल जाएगी। आप लोग देख सकते हैं कितनी कमाल की अब लग रही है। और उसके बाद से अब आप लोग नीचे चाहें तो आप लोग नीचे भी ऐसे आप लोग फेस मतलब जहाँ जहाँ आपका फेस है स्क्रीन आप लोग को जहाँ जहाँ दिखेगी वहाँ वहाँ पे आप लोगों को कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इस पे भी कर लेता हूँ। उसके बाद से आप लोग जल्दी जल्दी बता रहा हूँ तभी यहाँ पे बाहर मतलब ऐसे जा रहा है कलर, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग आराम से कीजिएगा ठीक है। उसके बाद से अब आप लोग करना क्या होगा, यहाँ पे ये वाली लेयर को आ जाना है। लेयर पे आने के बाद से यहाँ पे मर्ज आल पे क्लिक कर देना है या मर्ज पे क्लिक कर देना, दोनों में से आप लोग किसी भी कर देंगे, तो मैं आल पे कर देता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे मर्ज हो गई, अब यहाँ हटने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे बाहर यहाँ पे स्क्रेच वगैरह कुछ नहीं होगा। स्क्रेच अगर बाहर कुछ होता है तो आप लोग यहाँ पे आप लोग पीछे भी कर सकते हैं। उसके बाद से अब आप लोग करना क्या होगा, यहाँ पे ब्रश को चेंज कर लेंगे, जो मैंने पहले आप लोग को ब्रश बताया था वाली ब्रश आप लोग को ले लेना है। ब्रश आप लोग को चेंज कर लेना है, ये वाली ब्रश ले लेना है। उसके बाद इसका सेटिंग देख लेना है। उसके बाद से यहाँ पे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद से आप ऐसे फेस पे ऐसे ब्रश करना है। अब यहाँ पे देखिए कितनी कमाल की मतलब फेस स्मूथ होना स्टार्ट हो गई। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं और फेस पे चमक लाना है तो अभी आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि फेस पे चमक कैसे लाते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर लेता हूँ, उसके बाद से आप लोग को मतलब बताता हूँ फेस पे चमक कैसे लाते हैं। तो ये मत सोचिएगा मतलब मैं तो खराब कर रहा हूँ तो आप लोग को कैसे बता रहा हूँ, आप लोग मेरा आईडी देख लीजिएगा कि मतलब फेस स्मूथ मैं कैसे करता हूँ। तो आराम आराम से आप लोग कीजिएगा तभी आप लोग को पता चलेगा कि फेस स्मूथ होता कैसे है और मतलब मैं कौन सा सेटिंग बताया हूँ वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इतना कर लेने के बाद मैं यहाँ से शेयर कर लेता हूँ अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे मैं अपने अपनी स्नैपसीड एप्लीकेशन पे आ गया हूँ। उसके बाद से अब आप लोग करना क्या होगा, अपने फेस पे मतलब लाइट लाना चाहते हैं या फटाक से फेस स्मूथ करना चाहते हैं जिससे जल्दी में आप लोग हैं, तो अब लोग करना क्या होगा, आप लोग सबसे पहले मैं बता दूँ फेस पे लाइट कैसे लाते हैं।
फेस पे लाइट लाने के लिए आप लोगों को दो ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे सिलेक्टेड टूल का मदद से आप लोग भी ला सकते हैं। यहाँ पे इसे लाकर सेलेक्ट करके इसे आप लोग इंक्रीज करेंगे तो आप लोगों को फेस पे लाइट आ जाएगा। उसके बाद से एक और ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ पे टून इमेज पे आप लोग क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ पे ब्राइटनेस पे क्लिक करके आप लोग लाइट ला सकते हैं, इसे भी ला सकते हैं आप लोग। अब उसके बाद से आप लोगों को बताता हूँ फेस पे मतलब फटाक से स्मूथ कैसे करना है, जैसे जल्दी में आप लोगों के पास टाइम नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे लेंस ब्लर पे आ जाना है। ब्लर पे आने के बाद से यहाँ पे आप लोग को इसको कुछ इस टाइप से करेंगे। तो आप लोग ये वाली सेटिंग आप लोगों को बहुत सारे लोग बताए होंगे, लेकिन मैं आप लोग को ये वाली सेटिंग नहीं बताने वाला हूँ। आप लोग करना क्या होगा, आप लोग जल्दीबाजी में तो आप लोग क्या करना है, आपको ऑपरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से कुछ इस टाइप से आप लोग को लोडिंग लेगा। उसके बाद से यहाँ पे आ जाना है, स्मूथ टू पे आप लोग सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद से अब आप लोग करना क्या होगा, यहाँ पे स्कैन आप लोग स्मूथ करने के लिए आप लोग को ये वाली ऑप्शन को दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन है इसको आप लोग को इंक्रीज कर लेना है। आई वाले क्रिएट कर आई क्रिएट कर लेना है ताकि आप लोग को आँख मतलब अच्छे से दिखे। उसके बाद से यहाँ पे डन कर देना है। अब आप लोग को मैं दिखाता हूँ बिफोर आफ्टर के यहाँ पे क्या मतलब चेंज हुआ है, आप लोग कुछ इस टाइप से देख सकते हैं। चलिए मैं पहले लाइट वाला ऑप्शन को हटा देता हूँ, तभी आप लोग को पता चलेगा। तो लाइट को पहले यहाँ से हटा देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया। अब यहाँ पे देखिए इसको बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ, कुछ इस टाइप से आप लोगों को अंतर देखने को मिल जाएगा। ऐसे आप लोग फटाक से स्मूथ कर सकते हैं और भी आप लोगों को प्रोफेशनल तरीके से कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो चलिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले